हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका अथवा उसकी प्रस्तावना का पठन करते हैं। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारे विद्यालय में संविधान की उद्देशिका का नियमित रूप से कथन होता है और विद्यालय के अधिकतर विद्यार्थियों को संविधान की उद्देशिका अच्छी तरह कंठस्थ है, नियमित रूप से उसका कथन होता है। तो चलिए आज हम भी इस उद्देशिका का वाचन करते हैं, तो आप भी मेरे साथ उद्देशिका का वाचन कीजिए। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से हमने भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का वाचन किया। अब हम उद्देशिका के शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उद्देशिका में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत पर पूर्णतया हमारा प्रभुत्व स्थापित हो, यानी कि किसी बाहरी देश अथवा राष्ट्र का कोई अधिकार या हस्तक्षेप ना हो, संपूर्ण प्रभुत्व पूरा प्रभुत्व हमारा ही हो। समाजवादी यानी कि अर्थात समाज के लोगों का समाज के लोगों के लिए और समाज के हित के लिए ही और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही समाज के विकास के लिए शासन, यानी कि ऐसा शासन जिसमें समाज सर्वोपरि हो, ये समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्म निरपेक्ष, यानी कि सरकार का अथवा राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म विशेष के पक्षपाती नहीं बनेंगे या किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी भी धर्म विशेष का समर्थन न करके धर्म निरपेक्ष शासन करेगी, सभी धर्मों का सम्मान करेगी तथा अपने धर्म को मानने वालों को पूर्णतया स्वतंत्रता होगी अपने धर्म को मानने के लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका अर्थ ये होता है कि एक होता है राजतंत्र, जिसमें कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है, उसमें जनता का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें जो राजा है उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है, यह है राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र गणराज्य, लोकतंत्र यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय के लिए विचार अभिव्यक्ति, यानी अपनी अभिव्यक्ति अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास किसी में भी अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उपासना यानी कोई भी नागरिक किसी भी सिद्धांतों की, किसी भी मत की, किसी भी पंथ की या किसी की भी उपासना की उसको पूर्णतया स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और अवसर के लिए हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मौका दिया जाए और किसी अन्य को छोड़ दिया जाए ऐसा न होगा। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जिससे कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा अथवा राष्ट्र की एकता और अखंडता को
नुकसान हो। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, हम सभी आपस में यहाँ पर दृढ़ संकल्प होकर, मन में संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, आत्मा अर्पित और अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं। तो यह है भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनका अर्थ। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान पूर्ण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज के दिन उन्हें सभी दिल से याद करते हैं। बाबा साहब संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब के अलावा अन्य विद्वान जन इसके सदस्य थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे अनेक विद्वान थे। भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इस संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान बनाने का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना था, धर्म जातीय लिंग के आधार पर असमानता को मिटाना था और इसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान था। हमारे संविधान में न तो कोई छोटा है और न बड़ा, सभी समान नागरिक है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और यह सभी नागरिकों के लिए न्याय समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो हमें अपने संविधान पर गर्व है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस दिवस को आनंद से मनाइए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।